हे व्हाट्स अप गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लॉजिक बिहाइंड द क्रशिंग ऑफ अ लेमन अंडर आवर व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल बाइक, कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कहानी ये है कि हमारे पुराने ज़माने में हमारे पास व्हीकल्स ऑब्वियसली नहीं थे। हमारे पास रहते थे बुलक कार्ट्स और हॉर्सेस, और ये हॉर्सेस ही हमारे व्हीकल्स रहते थे। और उस टाइम हमारे पास अब की तरह तार रोड्स और सीमेंट रोड्स नहीं रहते थे। सो ऑब्वियसली ये बुलक कार्ट्स और हॉर्सेस कीचड़ के रोड्स पे चलते थे, विच हैव मड एंड ग्रेवल। उसके वजह से इनके हूव्स में वो मड और ग्रेवल अटक जाता था और इनके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता था। और अब यह काम आता है एक नींबू। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, नींबू के अंदर जो सिट्रिक एसिड थे उसके हेल्प के वजह से इनके पैरों में इन्फेक्शन जो है उनको हटा देते थे। द सिट्रिक एसिड वुड एक्ट एज एंटीबायोटिक एंड किल द बैक्टीरिया इन द इंजुरीज और द इन्फेक्शंस ऑफ द काउस एंड हॉर्सेस। और वही परंपरा अब तक चल रहा है। हम अभी तक यही यूज़ कर रहे हैं हमारे फेस्टिवल्स के टाइम, जो कि है दशहरा, और जब भी हम नया बाइक खरीदते हैं। एंड वी आर क्रशिंग आवर टायर्स अंडर दिस लेमन। सो लॉजिकली बात करें तो वो अब कुछ सेंस नहीं बनता, फिर भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं भी यही फॉलो करता हूँ बिकॉज ये कभी कभी करते हैं। सो यही है लॉजिक बिहाइंड द क्रशिंग ऑफ लेमन अंडर आवर टायर्स। एंड क्रशिंग दम अंडर द रबर टायर्स मेक्स नो सेंस एट ऑल एज ऑफ नाउ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।